चलो चलो आयो चलो 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 हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय संसद पश्चिम सिंहभूम सा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता कोड़ा साथ साथ लक्ष्मी पिंगुआ एक से मुखिया राशिका गोप करताल सरदार संदेश सरदार प्रखंड अध्यक्ष जिमी दलित दुलाईपुर प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस संतोष प्रधान डॉक्टर अनुर प्रधान एवं किशोर दुलाईपुर ये सभी अतिथियों के बीच दोनों ही प्लेयर से परिचय प्राप्त करते हुए और जेडीए चैबसा कि आज दोनों टीम नवयुवक संघ कालापहाड़ के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में फाइनल राउंड अरे देखा सर चाईबासा की टीम इस समय बोल को लेने में कोशिश करता हूँ। अपने डिफेंडर बिरजू पात्रो तैनात हैं, बिरजू पात्रो जरूरी अपने समय थोड़ी सी अंधेरा मैदान में छाता हुआ लेकिन कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों ही टीमों के द्वारा देखा सा है। तो एक बड़ी टीम है किंगफिशर और जेडीए चाईबासा की टीम है। 13 नंबर के प्लेयर है गानी छो तरफ से 17 नंबर के लिए बोल को देना चाहे पीछे 13 नंबर के प्लेयर है काफी अच्छी पोजीशन में नजर आता हुआ जहां तक देख रहा है अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ नजर आता हुआ लेकिन वहां पर परिचालक के पहुंचे और देखते हैं उनका क्या निर्णय रहेगा। जरूर यहां पर दादा कौन सा चैनल है चैनल का नाम बता दीजिए कल हम लोग देखेंगे। एक बेहतरीन मौका यहाँ पर आता हुआ किंगफिशर के लिए देखते हैं किंगफिशर के प्लेयर 2 नंबर बिरजू पात्र 500 का यहाँ पर इस्तेमाल किया था लेकिन थोड़ी सी उनसे चूक और कहीं न कहीं देखा जाए तो किसी कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर उनका मकसद था पहले हाफ में यहाँ पर गोल किया जाए लेकिन सफल नहीं हो पाए। जहां तक देखा जाए जेडीए चाईबासा की टीम इस समय रणनीति बनाता हुआ उनके अपनी टीम एक बड़ी टीम किंगफिशर डिफेंडर बिरजू पात्रो के द्वारा लॉन्ग रेंजर पासेज के जरिए बॉल को डी बॉक्स में लाने का प्रयास लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात है और दूर से ही समय अपने साथी खिलाड़ी चाईबासा के लिए बॉल को बढ़ाए हैं। बिरजू पात्रो मुख्य डिफेंडर निकालना चाहा अपने साथी खिलाड़ी के लिए और जरूर चाहे कि टीम की शुरुआत पल में यहाँ पर दबाव बनाया जाए लेकिन देखते हैं ऐसे कर पाते हैं कि नहीं उनकी एक जो रणनीति है उसको अमल कर पाती है कि नहीं टीम किंगफिशर। और जहां तक देखा जाए तो अपने टीम जेडीए चाईबासा की टीम एक बेहतरीन टीम है और जरूर यहाँ पर दोनों ही टीम चाहेंगे कि कम से कम एक दूसरे को मिलेगा मिलेगा रे रे अलमत कर रे आई मजरे नाल पोती की जान लाती राजू पता बड़ा बोली है ए ए देखा करूंगा कैप्टन लगा
और इस समय जेडीए चाईबासा के प्लेयर दानी चौतरफ से 8 नंबर के प्लेयर गोल को बढ़ाने में कामयाब रहा। जहां तक देखा जाए तो एक बड़ी मेज से चलता हुआ और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पर पिंजू पात्रो जैसे स्टार खड़े मौजूद है, उतनी आसानी नहीं होगी। गोलकीपर आए हैं लेकिन यहां पर पिकाज से अनुराग सोए जी के यहाँ पर हुईशील मैदान में और कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर ज्यादा चोटिल होते हुए इंजुरेड होते हुए फर्स्ट एड की व्यवस्था वहाँ पर उन्होंने निर्देश दिए हैं और फर्स्ट एड की व्यवस्था यहाँ पर किया जाए जितना जल्दी हो सके। शायद यहाँ पर कुछ गंभीर मामला लग रहे हैं गोलकीपर के लिए। फर्स्ट एड जितनी जल्दी हो आप लेकर चले, लेकिन थोड़ी सी वहां पर शायद अपने आप को फिट घोषित करता हुआ गोलकीपर है। आज त्रिदिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह, तमाम जो खेल प्रेमी आए हुए थे अपने जरूरी कामों को छोड़कर, उन सभी दर्शकों को आयोजक समिति कालापाड़ घुमरिया की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। साथ साथ जिन्होंने भी आज इस मैदान में पार्टिसिपेट किए थे उन 40 टीमों के कप्तानों को भी ढेर सारे शुभकामनाएं जिन्होंने सहयोग किए इस कमेटी की ओर। एक टूर्नामेंट धीरे धीरे आज समापन की ओर अग्रसर है, फाइनल के ये मैच है और इसे फाइनल मैच में हमारे बीच मंच को सुशोभित करने के लिए और इस खेल की गरिमा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं माननीय संसद पश्चिम सिंहभूम शाह, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता कोड़ा जी, साथ साथ लक्ष्मी पिंगुआ एक्स मुखिया आसन पार्टी राशिका गोप, वरिष्ठ सदस्य आयोजन समिति के करताल सरदार अध्यक्ष, आयोजन समिति के संदेश सरदार जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष लाली तुरैपुर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष और संतोष प्रधान, डॉक्टर अरुण कुमार प्रधान और किशोर तुरैपुर एक्स आर्मी, इन सभी को सहयोग रहा इस टूर्नामेंट को धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए। उन सभी तमाम जो आए हुए हैं उनको ढेर सारे शुभकामनाएं आयोजन समिति कालापाड़ घुमरिया की तरफ से। इस बीच मौका है 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के प्लेयर साहिबासा के थोड़ी सी चोट वहां पर, 9 नंबर के लिए 9 नंबर के प्लेयर दानी चौथ तरफ से बॉल को बढ़ाना चाहा 10 नंबर के लिए, लेकिन 7 नंबर के पास इस समय बॉल मौजूद, मौका इस समय बन सकता है 9 नंबर के लिए। 9 नंबर के द्वारा बॉल को कोस डालने का प्रयास है लेकिन चेस्टाउन लेता हुआ बॉल ऊंचाई के साथ साइडलाइन से बाहर जाते हुए कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों ही टीमें थोड़ी सी अपर समय आज ग्राउंड में जरूर साथ नहीं दे पाई, लेकिन जो समय है उसके अनुरूप यहाँ पर दोनों ही टीमें अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खेल दिखाते हुए। देखते हैं यहाँ पर कौन सा टीम किस टीम को आज पराजित कर त्रिदिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का बेताज बादशाह बनने का गौरव हासिल कर रही है। लेकिन इस मैच को टकराई बॉल और रिबाउंड होता है, वहां पर भाग्यशाली टीम रहा जेडीए चाईबासा की टीम जो वॉल से टकराई और बॉल रिबाउंड होकर यहां पर प्ले ऑन में जा रही है, लेकिन कमाल का प्रदर्शन है किंग फिशर एफसी के द्वारा जिन्होंने पहले यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और वॉल से वहां पर टकराई बॉलर पुनः रिबाउंड होकर प्ले ऑन में जा रही है। जिस अंदाज से उन्होंने खेल दिखाया काबिले तारीफ और अभी भी तमाम दर्शक यहां पर डटे हुए हैं इस मैच का परिणाम जानने के लिए। त्रिदिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का बेताज बादशाह बनने के लिए देखते हैं कौन सा टीम किस टीम को यहां पर पराजित करने में कामयाब रहेगा। लेकिन इस बीच किंग फिशर के प्लेयर दानी चौथ तरफ से मुख्य डिफेंडर बिरजू पात्रो के लिए बाएं फुटेड इस समय क्लियर जाता हुआ 10 नंबर के प्लेयर, 10 नंबर के द्वारा पुनः अपने साथी खिलाड़ी के बॉल को बढ़ा दिए हैं अविनाश के लिए, जो बच्चा के उपनाम से जाने जाते हैं फुटबॉल जगत में और सिंहभूम से जो एक पश्चिम सिंहभूम का बड़ी टीम है इसमें उनका अहम रोल रहता है। और पीछे चाईबासा की टीम है लेकिन डिफेंडर बिरजू पात्रो वन ऑफ द मोस्ट प्लेयर ऑफ इस टीम है, बहुत ही अच्छी टीम और प्रेरित करेगी ये देखने के लिए, परिणाम जानने के लिए बिल्कुल भी मुस्तैद है इस परिणाम का जानने के लिए। और जहां तक देखा जाए एक बड़ी मैच है, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ है किंग फिशर की टीम तो दूसरी तरफ है
जेडीए चाईबासा के टीम में जहां तक देखा जाए जेडीए चाईबासा के प्लेयर इस समय दानी चौतरफ से बॉल को लेने का प्रयास करती हुई, लेकिन यहां पर फाउल का सिग्नल आता हुआ और लाभ मिलेगी किंगफिशर की टीम को। किंगफिशर के प्लेयर जो एक अटैकिंग पोजीशन में आई हुई थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी टीम है, आज क्या कर पाएगी जेडीए चाईबासा की टीम जो कि सशक्त टीम है जिन्होंने ग्रुप ए से फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। और इस समय लॉन्ग रेंजर के जरिए बॉल को डी बॉक्स में लाने का प्रयास है, लेकिन थोड़ी सी चूक वहां पर दो नंबर के प्लेयर दो नंबर के द्वारा फिर से दानी चौतरफ से बॉल को रिलीज लाता हुआ अच्छी सोच के साथ बॉल को वहां पर बनाने में कामयाब रहा, लेकिन डिफेंडर और फिर से वहां पर व्हिसिल जरूर अनुराग सोए जी का, और देखते हैं यहां पर क्या निर्देश उनका रहेगा, क्या निर्णय रहेगा। नेट एंड क्लीन के लिए जाने जाते हैं अनुराग सोए, उनका क्या निर्णय रहेगा इस फाइनल मैच के दरमियान। जरूर यहाँ पर किंग फिशर के लिए एक मौका बनता हुआ देखते हैं इसे, एक फ्री किक उन्होंने अर्जित किया है फाउल के रूप में, कहां तक इसका टीम लाभ ले, गजब का शॉट यहां पर, लेकिन थोड़ी सी चूक बिल्कुल गोली की रफ्तार के भांति आई थी और शायद नेट में समाती तो शायद नेट को भी यहां पर चीर कर निकल जाती, जिस अंदाज से उन्होंने ये शॉट अपनी टीम के लिए की हुई थी, लेकिन थोड़ी सी चूक ऑन टारगेट में बॉल यहां पर रही नहीं और बॉल जरूर साइडलाइन से बाहर, लेकिन फिर से प्लेओन में जा रही है बॉल, लेकिन इस वजह से चाईबासा के प्लेयर चाईबासा के द्वारा बॉल को आगे बढ़ाता हुआ कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। जहां तक देखा जाए अभी भी तमाम दर्शक इस मैच का परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हैं और कहीं ना कहीं अंधेरा यहां पर जरूर छा रहे, लेकिन मैदान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, जानते हैं उन्होंने इस ऐतिहासिक पल का गवाह जरूर बनना चाहेगी टीम में, और फिर से साइलेंस बॉल बाहर जाती हुई, लेकिन इस बीच मैच समाप्ति के होसिल और कहीं ना कहीं